एक वर्षीय फूलों की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल्टीवेशन दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ बीएससी सिक्स एम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। एनुअल्स आर सीजनल आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन आर इन वन ईयर। एक वर्षीय फूल वाले पौधे वो होते हैं जो अपनी जीवन चक्र को एक मौसम या एक वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं। इन सच लिमिटेड पीरियड इस समय में दे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लाइफ लाइक जर्मिनेशन। इस समय अवधि में वो अपने विभिन्न जीवन की गतिविधियाँ जैसे जर्मिनेशन बीज का जमाव ग्रोथ वृद्धि फ्लावरिंग सीड फॉर्मेशन एंड आफ्टर दिस प्लांट विदर आउट। इन सब क्रियाओं के पश्चात पौधा मुरझा करके मर जाता है। दे ब्यूटिफाई द सराउंडिंग्स एंड एग्जिबिट ए गुड शो ऑफ ब्लूम्स। ये पौधे अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं तथा एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं फ्लावर का चीपेस्ट रेट पे लो कास्ट पे एंड लेबर और इसमें कम समय परिश्रम की आवश्यकता होती है। दे ब्रिंग ए चेंज इन द लुक ऑफ गार्डन विद चेंज इन सीजन एंड कीप गार्डनर्स बिजी इन रेजिंग दी थ्रू आउट द ईयर। ये पौधे अपने द्वारा मौसम में परिवर्तन लाते हैं तथा उद्यानकर्ता को पूरे वर्ष काम में व्यस्त रखते हैं। डिफरेंट एनुअल्स आर ग्रोन फॉर डिफरेंट सीजन एंड पर्पजेज। विभिन्न प्रकार के एक वर्षीय पौधे विभिन्न स्थानों के लिए तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे पॉट्स गमले में उगाने वाले एक वर्षीय पौधे अलग होते हैं। हैंगिंग बास्केट लटकती हुई टोकरियों में लगाने वाले पौधे अलग होते हैं और बेड्स के लिए क्यारियों में लगाने वाले पौधे अलग होते हैं। एजिंग के लिए किनारा बनाने के लिए गार्डन में अलग होते हैं। इस पर रॉक गार्डन के लिए अलग होते हैं तथा हर्बेसियस बॉर्डर सरब्रिज बॉर्डर तथा सिटी कंडीशन के लिए छाए में लगाने के लिए अलग अलग पौधे होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट समय में बताऊंगा। इसके पश्चात मैं इनके बारे में बताऊंगा कौन से पौधे किस सिचुएशन के लिए तथा किस उद्देश्य के लिए। मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ कल्टीवेशन ऑफ एनुअल्स के बारे में उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले समय कि डिफरेंट फ्लावर्स एनुअल्स आर ग्रोन फॉर डिफरेंट सिचुएशन एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। डिफरेंट विभिन्न स्थानों में के अनुसार तथा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार एक वर्षीय पौधे उगाए जाते हैं। अब देखिए उसमें ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए जो जब ज़मीन पे एनुअल्स लगाते हैं फूल वाले पौधे एक वर्षीय लगाते हैं तो इनका मास इफेक्ट होता है समूह प्रभाव डालते हैं ये और उस लिए उस उद्देश्य के लिए जैसे डहलिया मेरी गोल्ड फ्लॉक्स पीना पैंसी कार्नेशन स्वीट विलियम स्वीट सुल्तान पिटूनिया आइस प्लांट कैंडिडाफ्ट वाइट फ्लावर होता है बहुत अच्छा फ्लावर होता है जीनिया बालसम पोर्चुलेका ये सब पौधे जो एक वर्षीय पौधे हैं ये मास इफेक्ट के लिए सामूहिक प्रभाव के लिए बेड में लगा दिए जाते हैं तो इन्हें बेटिंग उद्देश्य बेटिंग पर्पज के लिए पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर फ्रेग्रेंट फ्लावर सुगंधित फूल के लिए जो पौधे एक वर्षीय पौधे लगाए जाते हैं वो जैसे कार्नेशन है आपका नीला फ्लावर होता है बहुत ही अच्छा सुंदर फूल होता है स्वीट पी स्वीट सुल्तान स्वीट विलियम स्वीट इलाइसम स्टॉक आदि पौधे एक वर्षीय जो है ये फ्रेग्रेंट फ्लावर के लिए उगाए जाते हैं। फॉर कट फ्लावर ऐसे फूल होते हैं जो अपनी फ्रेशनेस को ज़्यादा समय के लिए रखते हैं फ्रेशनेस ज़्यादा समय तक बनाए रखते हैं क्योंकि कट फ्लावर आर दोर्स फ्लावर सोर्स आर पुट इन द बुके एंड प्रेजेंट टू द कमिंग पर्सन फॉर वेलकम के लिए और उनमें फ्रेशनेस आवश्यक है तो ऐसे फ्लावर द एनुअल्स विच मेंटेन देयर फ्रेशनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर नोन एज आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द मदर प्लांट आर नोन एज कट फ्लावर। इसमें आता है जैसे कार्नेशन स्वीट पी स्वीट विलियम एस्टर लार्क स्पर हेलिक्राइसम ट्यूपिन कॉर्न फ्लावर ये सब कट फ्लावर हेतु एक वर्षीय पौधे उगाए जाते हैं। फॉर लूज फ्लावर का मतलब ये है कि उन्हें
तोड़ करके जैसे गार्लैंड बनाने वगैरह में यूज करते हैं, मालाएं बनाते हैं, तो इसे लूज फ्लावर के द्वारा बनाते हैं। एक एक फ्लावर को हम अलग कर लेते हैं, जबकि कट फ्लावर में हम डाली के सहित फूल को लेते हैं। लूज फ्लावर में केवल हम फूल को प्लांट से प्लक करते हैं और उनको मालाएं बनाने के लिए यूज में आते हैं, या देवी देवताओं को प्रेजेंट करने के रूप में लाते हैं, इसे लूज फ्लावर कहते हैं। इसमें मेरी गोल्ड, एनुअल, क्रिसैंथेमम, एस्टर, सनफ्लावर, जीनिया, गलाडिया आदि फूल लूज फ्लावर हेतु उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग बास्केट। आपने अक्सर घरों में देखा होगा लटकती हुई टोकरी लगा फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं। इस हेतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेजी, कैल्शियम, वर्बीना, फ्लॉक्स, स्यूटेराइसम तथा पोर्चुलाइका आदि पौधे लगाए जाते हैं लटकती हुई टोकरियों में, या हैंगिंग बास्केट प्लांट है ये। फॉर सीडी सिचुएशन, छाए में उगाने के लिए जो पौधे उपयुक्त हैं एक वर्ष ही, उनमें सालविया तथा सिनेरेरिया बहुत अच्छे उपयुक्त पौधे हैं छाए छाए वाले स्थान में उगाए जाने के लिए। फॉर रॉक गार्डन, कभी कभी अपने गार्डन को सुशोभित करने के लिए चट्टानों द्वारा गार्डन बना लिया जाता है और उनमें पौधे लगाए जाते हैं। उसमें लगाने हेतु तो जो उपयुक्त पौधे एक वर्षीय वो है आइस प्लांट, एस्टेशियम, वर्बीना, फ्लॉक्स, गैमोलेप्स आदि। फॉर स्क्रीनिंग पर्पज, कभी कभी क्या होता है कुछ भद्दे स्थान होते हैं आपके घरों में, तो उनको ढकने के लिए जो एक वर्षीय पौधे उगाए जाते हैं उनमें हनी हॉग तथा स्वीट पी दे स्क्रीन द अगली प्लेसेज इन द गार्डन और हाउस। नेक्स्ट है फॉर पिक्यूलियर शेप, किसी विशेष आकृति देने के लिए जो पौधा हो जो होता है वो क्लीनथस है। फॉर पार्ट्स, गमलों में उगाए जाने वाले जो एक वर्षीय फूल वाले पौधे हैं वो कार्नेशन, एंटीराइनम, एस्टर तथा पिटूनिया आदि। इस प्रकार फॉर ड्राई फ्लावर, ड्राई फ्लावर का मतलब ये है फूलों को सुखा करके उनको जब प्रयोग लाते हैं तो उन्हें ड्राई फ्लावर कहते हैं। इसमें जैसे पार्ट पेरी में यूज होता है, और इसमें है हेलिक्राइसम, एक्रोक्लाइनम, नाइजेरिया, लेडीज लैक, ये सब फूल वाले एक वर्षीय पौधे ड्राई फ्लावर के उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा हर्बेसियस बॉर्डर तथा सब के बारे में।